ओके सो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम, ये चल रहा था। ठीक है, तो सभी लोग एक बार मुझे यस टाइप करके बता दो अगर मेरी आवाज़ सबको आ रही है तो। मेरी आवाज़, स्क्रीन और मेरी वीडियो, अगर तीनों चीज़ें क्लियर है तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। सभी लोग करेंगे ठीक है। तो पिछली क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पूर्णांकों पर संक्रियाएं, यानी ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स। इसमें से हम इंटीजर्स को जोड़ना, घटाना और गुणा करना सीख चुके हैं। भाग हमारा चल रहा था ठीक है, और भाग में हमने पढ़ लिया था, आधी चीजें हमने पढ़ ली थी, क्वेश्चंस करने बाकी थे ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब प्लस को प्लस से भाग किया जाता है तो हमेशा प्लस आता है, जब माइनस को माइनस से भाग किया जाता है तो प्लस आता है, जब प्लस को माइनस से या माइनस को प्लस से भाग किया जाता है तो क्या आता है, माइनस आता है। कैसे, एक एक उदाहरण ले लेते, एक एक उदाहरण ले लेते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं हम ठीक है। उदाहरण लिया मैंने, जैसे माइनस 16 को भाग करना है माइनस 4 से, है ना। अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो 16 को तो 4 से आराम से भाग कर देंगे, हमें पता है कि संख्याओं को भाग करना हमें आता है, 16 को 4 से तो भाग हम कर देंगे। दिक्कत क्या है, ये माइनस की है, इनको कैसे भाग करेंगे। तो इनको भाग करने के तरीके मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। तो 16 के साथ क्या है, माइनस है, 4 के साथ भी क्या है, माइनस है। तो हमें माइनस को माइनस से भाग करना है पहले, है ना। तो जब माइनस को माइनस से भाग करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, तो प्लस आ गया। और 16 को 4 से भाग करने पर क्या आएगा, 4 आएगा। एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया था। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि अगर आपको माइनस 16 को माइनस 4 से भाग करना है तो कैसे कर दो, इसको लिख दो माइनस 16 और भाग की जगह बटे का निशान माइनस 4, और माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 चौक 16। ये बताया था मैंने, बताया था ना, बताओ। ये दोनों पॉइंट्स जो मैंने बताए थे ये सबको क्लियर है आपको, आसान कौन सा लगा उससे आप कर सकते हो, आंसर दोनों से सेम आएगा, है ना। अगर मैं कहूं कि माइनस 16 को 4 से भाग करने पर क्या आंसर आएगा, माइनस 16 को 4 से भाग करने पर क्या आंसर आएगा, तो आप क्या कर सकते हो। पहला तरीका इसका क्या है करने का, पहला तो ये है कि 16 के साथ माइनस लगाए, 4 के साथ प्लस लगाए, माइनस को प्लस से भाग करने पर क्या आता है, माइनस आता है। तो पहले तो क्या आ गया, माइनस आ गया, और 16 को 4 से भाग करने पर 4 आ गया। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको माइनस 16 को 4 से भाग करना है तो कैसे कर सकते हैं, माइनस 16 को ऐसे ही लिखो, भाग की जगह बटे का निशान 4, है ना। ये माइनस ऐसे कैसे रहेगा, और 4 चौक 16, तो आंसर क्या आया, माइनस 4 ठीक है। बताओ सबको क्लियर है ये पॉइंट, सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि फिर हम पोल में क्वेश्चंस करेंगे। मुझे सबके आंसर सही चाहिए, पोल में किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है पूछ लो, पोल में गलत मत करना, पक्का करें क्वेश्चन फिर पोल, बताइए करें क्वेश्चन पोल में, या किसी को डाउट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है माइनस 81 को माइनस 9 से भाग करना है, सभी लोग पोल में आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, माइनस 81 को माइनस 9 से भाग करना है, और पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर, माइनस 81 को माइनस 9 से भाग करना है, सभी लोग आंसर करें। तब तक मैं उन बच्चों के नाम ले लूं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। चलिए दीजिए सभी लोग आंसर इस क्वेश्चन का, हाँ जी सभी लोग आंसर करें, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। पिछली क्लास में जिन लोगों ने आंसर दिया था वो थे गौरव रांगी, प्रिंस आर्मी का फैन, रौनिक, मोहित कश्यप, मंजू कुमारी नाम से हैं, इनका नाम था मनीष, मेहताब हैं, रीना पारचा, हिमेश, शिशराम नाम से हैं, अमित दहिया नाम से हैं, जानवी कुमारी नाम से हैं, कुलदीप पवार के नाम से हैं, संदीप के नाम से हैं, साहिल बाबा के नाम से हैं, अक्षय कुमार के नाम से हैं,
धर्मवीर सिंह के नाम से हैं एंड साक्षी। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए थे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए इस क्लास में सभी बच्चे आंसर करें। साक्षी ने पिछली क्लास में सिर्फ एक क्वेश्चन का ही आंसर किया था, ऐसा क्यों? आप तो सभी क्वेश्चंस के आंसर करते हो, पिछली क्लास में सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर आया है साक्षी, ऐसा क्यों? का आंसर करने लगेगा तो सर पोल चला गया था, सर सॉल्व ओके, करते थे आंसर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश करो। अगर आपको लगे कि पोल में जल्दी एंड कर रहा हूँ और आपका क्वेश्चन अभी बाकी है तो आप बोल दिया करो कि सर थोड़ा सा रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं आंसर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो। चलिए, चार लोगों का आंसर आना बाकी है अभी, जल्दी से आंसर करें जो चार लोग बच गए। माइनस 81 को माइनस 9 से भाग करना है, सभी लोगों को आंसर करना है इस क्वेश्चन का, बहुत आसान क्वेश्चन है। 15 सेकंड है आपके पास, जो चार लोग बच गए हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको पोल में आंसर करना ना आता हो, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको पोल में आंसर करना ना आता हो, तो कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी मोबाइल फोन में पोल का ऑप्शन नहीं आता है तो पूछ लो, कोई ऐसा स्टूडेंट जो एक ही मोबाइल से दो या तीन बच्चे ज्वाइन कर रहे हो तो बता दो। लास्ट 5 सेकंड्स, 5। अगर सबके फोन में पोल का ऑप्शन आ रहा है तो आंसर फिर सब करिए। 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो सबका आंसर सही है, वेरी गुड। तो यहां पर हमें क्या करना था, माइनस 81 को माइनस 9 से भाग करना था, है ना? यस, वेरी गुड। तो माइनस 81 को भाग करना था माइनस 9 से, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस 81 बटे माइनस 9, और माइनस से माइनस कट गया तो, और 9 से 81 कट गया 9 बार, तो आंसर क्या आया, 9 प्लस का 9, यानी सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। एक तरीका ये, दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि 81 के साथ क्या लगा है माइनस, 9 के साथ भी क्या लगा है माइनस, जब माइनस को माइनस से भाग दिया जाता है तो प्लस आता है, और 81 को जब 9 से भाग दिया जाता है तो 9 आता है, तो आंसर क्या आएगा, 9। दोनों तरीकों से सेम आंसर आएगा, आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे आंसर करिए। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर है 9। तो जिन दो बच्चों ने आंसर नहीं दिया था उनको क्लियर हुआ, आगे चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। माइनस 65 को भाग देना है 13 से, माइनस 65 को भाग देना है 13 से। यस, पोल में आंसर दें सभी लोग, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। माइनस 65 को भाग देना है 13 से, यस दीजिए। पैंसठ माइनस का है और 13 प्लस का है। माइनस 65 को भाग देना है 13 से, यस। अभी भी आधे लोगों का आंसर आना बाकी है, आंसर सभी को करना है पोल में, जल्दी करिए सभी लोग। पैंसठ माइनस का है और 13 प्लस का है, मैंने बहुत बार बताया है कि कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस को, तब भी काफी लोगों ने गलत आंसर कर दिया। 11 में से 3 लोगों का आंसर गलत है, 3 लोगों का। चलिए, सब लोगों का आंसर आ चुका है तो मैं इसको एंड कर देता हूं। यस, 3 लोगों का आंसर गलत है, बाकी सबका सही है, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है उसमें से 3 लोगों ने गलत आंसर किया। तो मैंने आपको बताया था
ये -65 है और इसको भाग करना है 13 से, तो कैसे करेंगे? -65/13 इसका मतलब यही तो हुआ, और 13 पंजे कितना हुआ? 65, तो आंसर क्या है? -5, है ना। ये माइनस और ये 5 मिलकर क्या बन गया? -5। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि 65 के आगे माइनस लगा है, 13 के आगे प्लस है, माइनस को प्लस से भाग देने पर माइनस आता है, इसलिए यहाँ पर माइनस आया और 13 को 65 से, सॉरी 65 को 13 से भाग देने पर 5 आया, तो आंसर क्या आया? -5 आया, है ना। तो दोनों तरीकों से आंसर क्या आएगा? -5 आएगा। क्लियर है सभी को? ऑप्शन सी इसका सही आंसर। सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ लो, गलती मत करिए, गलती मत करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1080 को, 1080 को, एक मिनट में दोबारा से लिख देता हूं, 1080 को भाग करना है -12 से, ठीक है। 1080 को भाग करना है किससे? -12 से। चलिए पोल में आंसर देंगे सभी लोग। यस, पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 1080 को भाग करना है -12 से, बताइए क्या आंसर आएगा? करिए सभी लोग। 1080 को भाग देना है -12 से। 1080, यस सर, गलती से आंसर गलत हो गया। ओके, गलती मत किया करो सर, ध्यान से आंसर करो। चलिए कोई बात नहीं, जल्दबाजी कोई मत करो, साइन जो है देख लो कौन सा साइन आएगा आंसर में, तब आंसर करो, जल्दबाजी मत करो। क्योंकि वोट होने के बाद ना फिर चेंज नहीं हो पाता, आपने एक बार वोट कर दिया तो आपका आंसर आ गया, फिर उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, तो इसीलिए ध्यान से सॉल्व करके, ध्यान से ऑप्शन चूज करके फिर वोट किया करो, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप इसमें भी गलत कर दोगे जल्दबाजी की वजह से तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। चलिए करिए सभी लोग। छह लोगों का आंसर आना बाकी है, सभी लोग आंसर करें। 1080 को भाग करना है -12 से। लास्ट 15 सेकंड। मतलब मुझे देखकर बहुत वो हो रहा है कि ऐसा ही सेम क्वेश्चन था पिछला, उसको 90% बच्चों ने सही आंसर किया था, लेकिन सेम क्वेश्चन ये है, सेम है ये भी उसकी तरह, इसमें आधे लोगों ने गलत कर दिया इसको। चलिए लास्ट 10 सेकंड, जो बाकी लोग बच गए हैं वो आंसर करें, लास्ट 10 सेकंड हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, हद हो गई, 12 में से 7 लोगों ने गलत कर दिया, वाह। और ऐसा ही क्वेश्चन था पिछला वाला, वो ठीक किया था सबने। देखो पहले चैट में बताओ किसने क्या आंसर, किसका क्या आंसर आया है। चैट में सब सही दे रहे हो, पोल में सब गलत दे रहे थे, ऐसा क्यों भाई? ऐसा कैसे हो सकता है? चैट में सब सही आंसर दे रहे हो, पोल में गलत दे रहे थे, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? देखो 1080 को भाग करना था -12 से,
तो इसमें सारा साइन का खेल था, चिन्ह का खेल था। इसका मतलब क्या है, 1080 बटे -12। तो इस माइनस का तो हम कुछ कर नहीं सकते, ये माइनस तो आंसर में रहेगा ही क्योंकि कट नहीं रहा कहीं भी। और जब 1080 को 12 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 90 आएगा, है ना। 1080 को जब 12 से भाग दोगे तो 12 निम्मा 108 हुआ, और यहाँ ये 0 बचा और 12 0 0, तो आंसर क्या आया, -90, यानी ऑप्शन बी। बच्चे बच्चों ने ऑप्शन सी क्यों दिया है फिर आंसर, ये माइनस का चिन्ह कहाँ उड़ा दिया, ये सर मेरा माइनस गलती से हो गया। हाँ ठीक है, इनका गलती से हो गया, बाकी लोगों ने कहाँ उड़ा दिया ये माइनस। सर मैंने 1080 को सर प्लस का समझ लिया, सर माइनस का समझ लिया था। ऐसे नहीं समझना, यहाँ लिखा हुआ है ना 1080 के आगे कुछ कोई भी साइन नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मत समझो कुछ भी वरना गलत हो जाएगा सवाल, जैसे ये हो गया है ना। ध्यान से देखा करो क्वेश्चंस को। ओके मैंने सही कराया। वेरी गुड, जिन बच्चों ने सही किया है वेरी गुड, ठीक है। चलिए तो ये सबको क्लियर है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी -90, ठीक है। सर ये तो छोटी संख्या पे था ना। नहीं देखो यहाँ पर जो मेन आपको सिखाने की चीज है वो है कि चिन्हों को कैसे भाग दिया जाता है। संख्याओं को तो आपको भाग देना हम सिखा चुके हैं, याद होगा कि संख्याओं को भाग देना हमने सिखा दिया था, लेकिन यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि अगर एक संख्या के आगे माइनस आ गया और एक संख्या के आगे प्लस आ गया तो तब कौन सा चिन्ह आएगा आंसर में, है ना। बेसिकली यहाँ पर आपको सिखाने का मकसद क्या है कि चिन्हों को कैसे भाग किया जाता है। अभी तक आपने 7th क्लास तक या 8th क्लास तक आपने भाग किया था संख्याओं को, अब आगे आप 9th 10th 11th 12th में आपको भाग करना पड़ेगा इन चिन्हों को। ये संख्याएं नहीं होंगी, संख्याओं की जगह पर एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, ऐसे होंगे, यानी इनको हम क्या बोलते हैं, चर, वेरिएबल। इनको इनके साथ आपको इन चिन्हों को गुणा भाग करना पड़ेगा आगे चल के। इसीलिए आपको यहाँ बेसिकली सिखाया क्या जा रहा है कि चिन्हों को कैसे भाग किया जाता है। संख्याओं को तो आपने भाग बहुत कर लिया और अब तक काफी करते आए हो, लेकिन चिन्हों को कैसे भाग किया जाता है, माइनस को माइनस से कैसे भाग किया जाता है ना, माइनस को प्लस से कैसे भाग किया जाता है, प्लस को माइनस से कैसे भाग किया जाता है, और प्लस को प्लस से कैसे भाग किया जाता है, ये आपको सिखाना का मेन मकसद। अब जैसे यही क्वेश्चन था, इसमें 1080 को भाग करना था -12 से, आपने संख्या को तो भाग कर लिया सभी ने, 1080 को 12 से भाग करके 90 आ गया, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा इसके साथ, तो 1080 के साथ कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस का है ना। जब किसी संख्या के साथ कोई चिन्ह नहीं होता तो वो संख्या पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। अब इसके साथ माइनस है, और मैंने आपको बताया जब प्लस को माइनस से भाग किया जाता है तो क्या आता है, माइनस आता है, तो इस 90 के साथ माइनस आ जाएगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, और प्लस को माइनस से भाग करने पर माइनस आता है। समझ में आया सबको, बताओ सबको क्लियर हुआ है कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। संख्याओं को भाग आप करना जानते हो अच्छे से, इसलिए सभी ने आंसर ऑप्शन सी दे दिया, क्योंकि सबको पता है 1080 को 12 से भाग करने पर 90 आएगा, लेकिन इस माइनस का क्या होगा ये भी तो हमें देखना है। यही चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि चिन्हों के जो साइन, सॉरी संख्याओं के जो चिन्ह है ना, नंबर्स के जो साइन है, उसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है आने वाले चैप्टर में, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। अभी तो आपकी गलतियां चल जाएंगी, लेकिन आगे जाकर अगर आप ऐसी छोटी छोटी गलतियां करेंगे कि सर मैंने माइनस देखा, प्लस को मैंने माइनस समझा, तो आपका पूरा क्वेश्चन चला जाएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत। इसीलिए हर चिन्ह का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपके सामने एक आसान सा क्वेश्चन है, 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में बेसिकली बोला क्या गया है कि अगर 60 मिनट में 1 घंटा है ना, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 1200 मिनट बराबर कितने घंटे होंगे, इसका आंसर देना है। 1 मिनट में इसको थोड़ा ठीक से लिख दो, 1200 मिनट बराबर कितने घंटे होंगे ये आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे पोल में, ये भी आसान है ना। तो पोल जो है मैं आपकी स्क्रीन पर मैंने पोल भेज दी, चलिए करिए इसको।
ये आसान क्वेश्चन है, सभी लोग इसका सही आंसर करना है, इसमें चिन्ह का तो कुछ चक्कर ही नहीं है, है ना? इसमें कुछ ऐसा नहीं है प्लस माइनस आपको दिख रहा हो, आसान सा क्वेश्चन है। वेरी गुड, अभी तक सबका आंसर सही आया है, बाकी लोग भी आंसर करें, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट है पोल में आंसर सभी को करना है। यस करिए सभी बच्चे, वेरी गुड, अभी तक सभी का आंसर सही है। गलती से हो गया था। गलती मत करो यार, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि हर क्वेश्चन को करने से पहले अच्छे से उसको देखो, सॉल्व करो, फिर आंसर करो, ठीक है? गलती मत करो। आपके पास ऐसा नहीं है कि टाइम बहुत कम है, पूरा आपको टाइम मिलेगा। सभी लोग ध्यान से करें, गलती कोई ना करे। चलिए आधे लोगों का आंसर आ चुका है, आधे लोग और आंसर करें जल्दी से, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? आधे बच्चों और आंसर करें। यस वेरी गुड, ध्यान से करिए सभी, वेरी गुड। चलिए लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और हैं आपके पास। अगर किसी बच्चे को ज्यादा टाइम चाहिए तो वो बता दे मुझे, है ना? मैं अपनी तरफ से 15 सेकंड दे रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सबका हो गया है, बस दो तीन लोगों का छोड़ के। 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड्स। जो बच्चे अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को टाइम से क्लास ज्वाइन करनी है, क्योंकि क्लास शुरू हुए ऑलरेडी आधा घंटे के आसपास हो चुका है। अगर आप बीच उसमें क्लास में आएंगे, बीच टाइम में, तो आपको आगे का क्लियर नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए सभी लोग कोशिश करें कि 7:30, 7:30, 7 बजे अपनी क्लास ज्वाइन कर लो, 7 बजे तक, ठीक है? सभी बच्चे अपना कैमरा ऑफ रखेंगे। हाँ सतीश कुमार नाम से जो है, अपना कैमरा और अपना माइक दोनों बंद रखिए। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5, चलिए मैं इधर से ही बंद कर देता हूँ। 4, 3, 2, 1। ओके ठीक है, तो 12 लोगों का आंसर आया, 12 में से 11 का सही था, और एक बच्चे ने गलती से गलत कर दिया था, कोई बात नहीं, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, इसको करने का एक आसान सा तरीका है ना, आपको याद होगा बचपन में हम क्वेश्चन करते थे कि अगर 2 पेंसिल 10 रुपए की आती है, अगर 2 पेंसिल 10 रुपए की आती है तो 4 पेंसिल कितने की आएगी? अगर 2 पेंसिल, है ना, चलो हिंदी में ही लिख देता हूँ, 2 पेंसिल 10 रुपए की है, तो 4 पेंसिल कितने की आएगी? ये ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं बचपन में। तो कैसे करते थे, पहले 1 पेंसिल का प्राइस निकालते थे, 1 पेंसिल का प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते थे, भाग कर देते थे, 2 का 10 है तो 1 का क्या होगा, 10/2, यानी 5, ऐसे ही तो करते थे, 5 रुपए। और फिर 4 का क्या होगा, 4 के लिए हम क्या कर देते थे, गुणा कर देते थे उसकी, तो 5 गुना 4 यानी 20। कुछ ऐसा ही हमें इस क्वेश्चन में करना है ना? तो 4 पेंसिल कितने की आई, 20 रुपए की, ऐसे ही करते थे ना? तो कुछ ऐसा ही इस क्वेश्चन में करना है, 60 मिनट बराबर है 1 घंटा, तो 1 मिनट में कितने घंटे होंगे बताओ, 1 मिनट में कितने होंगे, 1/60 होंगे ना, 60 से भाग हो जाएगा ये, 1/60 घंटा, ठीक है? और हमें निकालना कितने में, लेकिन 1200 में, तो 1200 मिनट में कितने होंगे, इससे हम क्या कर देंगे, 1/60 में गुणा कर देंगे, तो 1/60 गुणा 1200, तो ये 0 से 0 कट गई, फिर यहाँ पर क्या बचा, 120/6,
और जब हम 120 को 6 से भाग करते हैं तो क्या आता है, 6 दूनी 12, यहाँ से 0, 6 0 0, तो आंसर क्या आया, 20, यानी ऑप्शन बी, है ना। बताइए क्लियर है सभी को, जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया था वो बताएं, क्योंकि बाकी जिन्होंने भी आंसर दिया था सबके आंसर सही थे। बताओ सबको क्लियर है इसका आंसर 20 होगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, अगर सबको क्लियर है तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो। ओके, तो इसका सही आंसर होगा 20, यस। चलिए तो हमारा ये जो टॉपिक है यहीं पर खत्म होता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो है संख्या रेखा यानी नंबर लाइन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि ये होता क्या है, संख्या रेखा है क्या। हो सकता है काफी बच्चों ने पहले पढ़ा हो क्या सकता है, पढ़ा ही होगा सबने, सबने पढ़ा होगा कि संख्या रेखा क्या होती है, लेकिन भूल गए होंगे, है ना। तो याद दिला देता हूं मैं, क्या होता है संख्या रेखा, क्या होती है नंबर लाइन। तो जैसा कि नाम में ही है यहाँ पर, है ना, नाम में आपको दो शब्द दिख रहे हैं, एक है रेखा यानी लाइन, एक है संख्या यानी नंबर। तो नंबर लाइन या संख्या रेखा क्या होती है, ऐसी लाइन या ऐसी रेखा जिस पर हम क्या लिख सकते हैं, संख्याओं को लिख सकते हैं या नंबर्स को लिख सकते हैं। बताइए, ऐसी लाइन या ऐसी रेखा जिस पर हम क्या लिख सकते हैं, नंबर को लिख सकते हैं या संख्याओं को लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। तो इस डेफिनेशन में कोई डाउट, ये डेफिनेशन अभी अधूरी है, इनकम्प्लीट है, अभी हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो ऐसी लाइन या ऐसी रेखा जिस पर हम नंबर्स को या संख्याओं को लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। तो जब हम किसी रेखा पर, या किसी लाइन पर पूर्णांकों को निरूपित करते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, हमारी संख्याएं ही तो होती है पूर्णांक भी। पूर्णांक हमारे क्या होते हैं, सारी ऋणात्मक संख्या, जीरो और धनात्मक संख्या, तो ये सब संख्याएं ही है ना। तो जब हम पूर्णांकों को निरूपित करते हैं किस पर, रेखा पर या लाइन पर, तो उसको हम क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। अब अभी ये डेफिनेशन अधूरी है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट कैसे, ये जो दूसरा पॉइंट आएगा अभी, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर हम पूर्णांकों को उनके क्रम के अनुसार लिखते हैं। देखो ध्यान से समझो मैं बताना क्या चाह रहा हूं। सबसे पहले संख्या रेखा है क्या, मैंने एक लाइन बनाई, है ना, मैंने क्या बनाई, मैंने एक ऐसे लाइन बनाई, ठीक है, ये मैंने एक लाइन बनाई। अब इस लाइन पर मैं क्या करता हूं, संख्याओं को लिखता हूं, मैंने लिखा एक दो तीन चार पांच छ सात, ठीक है। और मैंने एक और लाइन बनाई, एक और रेखा बनाई, ये इस तरीके से आगे चलते रहेंगे, है ना। और इस पर मैंने फिर संख्याएं लिखी, कैसे, एक चार तीन दो ग्यारह पांच छ, ये ऐसे लिखी मैंने। तो सभी लोग मुझे ये बताओ, ये ए ऑप्शन है और ये बी ऑप्शन है, इसमें से संख्या रेखा कौन सी है। अभी जो मैंने दो पॉइंट आपको बताए, उन पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ो और बताओ इसमें से संख्या रेखा कौन सी है। यस, इसमें से संख्या रेखा कौन सी है, ए। और ए क्यों है संख्या रेखा, बी क्यों नहीं है, क्योंकि बी में जो संख्याएं लिखी हुई हैं वो क्रम में नहीं है, ऑर्डर में नहीं है। एक के बाद चार आ रहा है, चार के बाद तीन आ रहा है, तीन के बाद दो आ रहा है, लेकिन जो ए वाली जो संख्या रेखा है इसमें सभी संख्याएं क्रम में है, पहले एक आ रहा है, फिर दो आ रहा है, फिर तीन चार पांच छह सात। तो जो ऑप्शन बी है ये हमारी संख्या रेखा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें संख्याओं को हमने क्रम में नहीं लिखा है, जो कि हमारा दूसरा पॉइंट है कि संख्या रेखा पर हम पूर्णांकों को या संख्याओं को उनके क्रम के अनुसार लिखते हैं। और क्रम के अनुसार लिखने का मतलब है कि अगर हम एक लिख रहे हैं तो एक के बाद दो ही आना चाहिए, दो के बाद तीन ही आना चाहिए, तीन के बाद चार ही आना चाहिए, क्रम में होनी चाहिए, ऑर्डर में होना चाहिए सारे नंबर सारी संख्याएं। तो सबको डेफिनेशन क्लियर है संख्या रेखा की, बता दो सभी लोग एक बार, किसी को डाउट हो तो मैं दोबारा बता देता हूं। सबको क्लियर है कि जो ए ऑप्शन है वही संख्या रेखा है, बी नहीं है। और ऐसा क्यों है ये मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि जो ये संख्याएं लिखी हुई है ये क्रम में नहीं है।
ना। आगे चले, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी संख्या रेखा और नंबर लाइन के बारे में कि हम इसको परिभाषित या डेफिनेशन हम इसकी कैसे दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि संख्या रेखा को हम बनाते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो संख्या रेखा पर हम सबसे पहले लिखते क्या हैं, जीरो को लिखते हैं। संख्या रेखा पर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जीरो। तो ये एक रेखा है नीचे बनी हुई है, इस पर हमने सबसे पहले लिखा जीरो। उसके बाद जीरो के दाई ओर, अब दाई ओर क्या होता है, दाई ओर का मतलब है सीधा हाथ, सीधे हाथ पर, राइट हैंड साइड। बाई ओर का मतलब होता है उल्टे हाथ पर, यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो हम जीरो के दाई ओर लिखते हैं एक, जीरो के दाई ओर एक अन्य बिंदु अंकित कीजिए और इसे ना एक नाम दीजिए। हम क्या सीख रहे हैं, संख्या रेखा को बनाना। तो देखो सबसे पहले हमने एक रेखा बनाई, एक लाइन बनाई, उस पर हमने लिखा पहले जीरो और कुछ दूरी पर लिखा हमने एक। किस तरफ, दाई तरफ। किसके दाई तरफ, जीरो के दाई तरफ। क्या लिखा, एक। अब ये जो जीरो और एक के बीच की दूरी है इसको हम कहते हैं एक इकाई दूरी। क्या कहते हैं इसको, हम एक इकाई दूरी या एक मात्रक दूरी, ठीक है। एक इकाई दूरी या एक मात्रक दूरी कुछ भी बोल सकते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, यूनिट डिस्टेंस। ये जो एक जीरो और एक के बीच की दूरी है, सभी लोग जो मैं पॉइंट अभी बता रहा हूं इसको ध्यान से सुनना, मिस मत करना। जीरो और एक के बीच की जो दूरी है इसको हम कहते हैं एक इकाई दूरी या एक मात्रक दूरी या यूनिट डिस्टेंस। और जितनी ये दूरी होती है जीरो और एक के बीच की, उतनी ही दूरी होनी चाहिए एक और दो में, उतनी ही दूरी होनी चाहिए दो और तीन में, उतनी ही दूरी होनी चाहिए तीन और चार में। बात समझ में आई, यानी हर संख्या के बीच में समान दूरी होनी चाहिए। और वो जो समान दूरी है वो क्या होती है, एक इकाई दूरी या एक मात्रक दूरी या यूनिट डिस्टेंस। हर संख्या के बीच में, संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं हम लिख रहे हैं, हर संख्या के बीच में कैसी दूरी होनी चाहिए, समान दूरी होनी चाहिए। और उस दूरी को हम क्या कहते हैं, एक इकाई दूरी या एक मात्रक दूरी कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेके बताऊं आपको, कि मैंने सबसे पहले एक रेखा बनाई, एक लाइन खींची, ठीक है। मैंने क्या करी, एक लाइन खींची यहाँ पर। अब जीरो तो मैंने यहां लिखा, जीरो के दाईं ओर एक मैंने यहां लिखा, दो मैंने यहां लिख दिया, तीन मैंने यहां लिख दिया, चार मैंने यहां लिख दिया। मतलब आप देखोगे तो दूरी सबकी क्या है, अलग अलग आ रही है। ये इतनी दूर है, ये इतनी पास है, ये ज्यादा ही दूर हो गया और ये ज्यादा ही पास हो गया। ऐसा नहीं करना है संख्या रेखा पर, हमेशा कैसे हमें संख्याओं को लिखना है, बराबर दूरी, जीरो एक दो तीन चार पांच छह, इस तरीके से। अब देखो ये दूरियां लग रही है कि हाँ बराबर हैं, आप ये कह सकते हो सर आपने नापा नहीं। हाँ नापा नहीं मैंने, लेकिन देखने में लग रहा है कि लगभग बराबर दूरी पर है हर संख्या एक दूसरे से, है ना। तो ये चीज सबको क्लियर है, बताओ। तो ये जो एक इकाई दूरी होती है, इसी दूरी पर हर संख्या होती है एक दूसरे से, ठीक है। तो यही चीज अगले पॉइंट में बताई गई है कि जीरो और एक के बीच की दूरी को हम कहते हैं एक इकाई दूरी या यूनिट डिस्टेंस, या इसको हम एक मात्रक दूरी भी कह सकते हैं, है ना। और इसी दूरी पर बाकी संख्याएं भी होती हैं, है ना। जब हमने दो लिखा तो दो, एक और दो के बीच में दूरी कितनी होगी, एक इकाई दूरी, जो जीरो और एक के बीच में थी वही एक और दो के बीच में होगी। और अगर मैं आ गया तीन लिखूंगा, वही दो और तीन के बीच में होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत सारी संख्याओं को बारी बारी से समान दूरी पर लिख सकते हैं और एक हमारी संख्या रेखा बन सकती है ना। इसी तरीके से हम तीन लिख सकते हैं, चार लिख सकते हैं, पांच लिख सकते हैं, और इस प्रकार की संख्या रेखा पर हम एक एक मात्रक दूरी पर क्या कर सकते हैं, संख्याओं को लिख सकते हैं। बताओ यहां तक कोई डाउट, आसान है, कोई कंफ्यूजन अगर हो तो पूछ लो। अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, ठीक है। ओके चलिए, तो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अगर हम इस संख्या रेखा पर ध्यान से देखें तो इस संख्या रेखा पर कौन सी संख्याएं लिखी हुई हैं, जीरो से लेकर और आगे तक बढ़ रही है ना। जीरो से स्टार्ट हुई और ये आगे तक जा रही है। तो ये क्या होते हैं हमारे, जीरो से लेकर और इनफाइनाइट तक कौन सी संख्याएं होती हैं, बताओ। वो कौन सी संख्याएं होती है जो जीरो से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है, बताइए चैट बॉक्स में। ये मैंने आपको बताया था
सबसे पहली क्लास जो हुई थी हमारे इस चैप्टर की। वेरी गुड। पूर्ण संख्याएं कौन सी, कैसी संख्याएं होती हैं ये? यस, होल नंबर्स, है ना। तो इस संख्या रेखा पर हमने क्या लिखे हैं अभी? होल नंबर्स लिखे हैं, ठीक है। तो यहां से हम एक ऐसी संख्या रेखा बना सकते हैं जो जीरो से स्टार्ट हो, जहां पर संख्या है, और कहां तक हो? अनंत तक जा सकती है, मतलब कोई अंत नहीं है। यहां तक 5 तक लिखा हुआ है, लेकिन 5 से आगे 6, 7, 8, 9, 10 कहीं तक भी जा सकती है ये संख्या, ठीक है। तो यहां पर यही चीज लिखी हुई है कि संख्या रेखा पर हम दाईं ओर किसी भी पूर्ण संख्या तक जा सकते हैं, है ना। और इस संख्या रेखा को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है? हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, जीरो से स्टार्ट हो रही है और ये आगे तक चल रही है। तो इस रेखा को हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा, है ना। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा। यस। तो सभी लोग बताओ मुझे, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि बिंदु 1 और 4 के बीच की दूरी क्या है? अगर आपने अभी तक मेरी हर बात ध्यान से सुनी है तो आप इसका आंसर बता दोगे। 1 और 4 के बीच की दूरी क्या है? चैट बॉक्स में दीजिए सभी लोग आंसर। इस संख्या रेखा पर 1 कहां पर है? यहां पर है ना। 1 कहां पर है? यहां पर है। 4 कहां पर है? यहां पर। इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है? 1 और 4 के बीच में, ध्यान से देखो। यस, वेरी गुड। भरत, भरत ने सबसे पहले सही आंसर दिया है, 3 यूनिट, है ना। तो कैसे है 3 यूनिट? मैंने अभी आपको बताया कि दो संख्याओं के बीच की दूरी कितनी होती है? एक इकाई या एक मात्रक दूरी। तो 1 और 2 के बीच की दूरी कितनी है? एक। 2 और 3 के बीच की दूरी कितनी है? एक। 3 और 4 के बीच की दूरी कितनी है? एक। टोटल दूरी कितनी हो गई? 1 + 1 + 1, यानी कितनी हुई? 3 मात्रक। अभी बताया ना मैंने आपको एक इकाई दूरी या एक मात्रक दूरी क्या होती है, अभी बताया जस्ट, कि जब संख्या रेखा पर हमारी दो संख्याएं लिखी हैं, उनके बीच की जो दूरी होती है वो एक इकाई दूरी होती है या एक मात्रक दूरी होती है। तो 1 और 2 के बीच की दूरी है, 2 और 3 के बीच की दूरी है, तो 3 और 4 के बीच की दूरी है। टोटल दूरी कितनी हो गई? 3 मात्रक। या आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो कि 1 और 4 के बीच की दूरी चाहिए हमें, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, यानी 4 में से 1 घटा दो, 3 मात्रक, है ना। आप संख्या रेखा की हेल्प से या संख्या रेखा की मदद से भी निकाल सकते हो या डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 1 और 4 के बीच की दूरी पूछी है, तो 4 में से 1 घटा दो, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। अगर आपसे 2 और 10 के बीच की दूरी पूछी जाए तो कैसे बताओगे 2 और 10 के बीच की दूरी? 2 और 10 के बीच की दूरी कैसे बताओगे? बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। 2 और 10 के बीच की दूरी कितनी होगी? सभी लोग बताइए। 8 होगी ना। कैसे? बड़ी संख्या क्या है 2 और 10 में? 10। छोटी संख्या 2 है, तो 10 में से 2 घटा दो, तो कितनी होगी? 8 मात्रक। तो इस तरीके से हम संख्या रेखा पर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते, ठीक है। सबको क्लियर है? किसी को डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि पोल में ऐसा क्वेश्चन है, पोल में गलत मत करना। मैं चाहता हूं अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप अभी पूछ लो, क्योंकि अभी चल रहा है वार्म अप, अभी तो चल रहा है वार्म सर अप। जी दोबारा समझा दो। पोल में जाके, हाँ पोल में जाके हमें युद्ध लड़ना है क्वेश्चन से। देखो इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, इसमें सिंपली आपको क्या करना है, देखो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ। 4 में से 1 घटा दिया, है ना, 4 में से 1 घटा दिया, तो क्या आया? 3 मात्रक। या अगर आपको संख्या रेखा पर निकालनी है तो संख्या रेखा पर निकाल लो। 1 कहां पर है? यहां पर है। 4 कहां पर है? यहां पर है। 1 और 2 के बीच की दूरी 1 हो गई, 2 और 3 के बीच की दूरी 1 हो गई, 3 और 4 के बीच की दूरी 1 हो गई, तो इनको जोड़ दो। टोटल दूरी कितनी हुई? 1 जमा 1 जमा 1, 1 + 1 + 1, यानी 3, यानी 3 मात्रक या 3 यूनिट, कुछ भी कर लो, है ना। संख्या रेखा पर आप, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 और 100 के बीच की दूरी बताओ, 1 और 100 के बीच की दूरी, तो क्या आप संख्या रेखा बनाओगे, फिर 1 से 100 तक गिनतियां लिखोगे और फिर उसमें दूरी निकालोगे? नहीं,
डायरेक्ट तरीका है हमारे पास, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, 100 में से एक घटा दो, तो क्या आया 99। ठीक है, आया समझ में? आगे चलें, तो इस तरीके से हम दूरियां निकाल सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की। एक ये रहा चार, ये रहा एक और दो के बीच की दूरी, एक दो और तीन के बीच की दूरी, एक और तीन और चार के बीच की दूरी है ना। इनको हमने आपस में जोड़ दिया तो कुल दूरी कितनी आ गई, 1 + 1 + 1 यानी 3 मार्क। और दूसरा तरीका क्या था कि आप बड़ी संख्या में से यानी 4 में से 1 को घटा दो तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। आसान तरीका ये वाला ही है, इसमें आपको सिर्फ घटाना ही है, इसमें कहाँ आप संख्या रेखा बनाओगे फिर, है ना, चेक करोगे इसमें, ये तो 1 सेकंड का काम है, बस घटाना है। बताओ जी, सबको क्लियर है यहाँ तक? अगर सभी लोगों को क्लियर है तो मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में बिंदु -2 और 3 के बीच की दूरी, -2 और 3, -2 यहां पर है, सभी लोग अपना माइक बंद रखें, -2 यहां पर है और 3 यहां पर है, इनके बीच की दूरी बतानी है। चलिए बताइए चैट बॉक्स में। बताइए -2 और 3 के बीच की दूरी क्या होगी? दोनों तरीकों से कर सकते हो, संख्या रेखा पर भी देख सकते हो और जो मैंने दूसरा तरीका बताया था घटाने वाला उससे भी देख सकते हो। यस, काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं 5, किसी किसी के आंसर आ रहे हैं 6। ठीक है, अच्छा हिमेश आपने 6 आंसर दिया है, आप अपना माइक ऑन करके मुझे बताइए कि आपका आंसर 6 कैसे आया। हिमेश, हिमेश अपना माइक ऑन करिए। हिमेश सर हाँ वो बताइए। गलती गलती से चला गया था। छः ओके, तो बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? 5 सर 5 होगा। वेरी गुड, कैसे बताइए? सर, माइनस माइनस हाँ दो से 2 से 3 3 तक सर ठीक जोड़ है, दिया सर, जैसे -1 0 1 2 3। ओके ओके, ठीक है ठीक है, यस सही बताया आपने। हिमेश का कहने का मतलब है कि अगर आप -2 से स्टार्ट करोगे, है ना, -2 से आप 1 पर जाओगे तो 1 तो ये हुआ, 1 से 0 पर जाओगे 1 ये हो गया, है ना। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूँ, ठीक है, -2 से -1 तक 1, -1 से 0 तक 1 इकाई, 0 से 1 तक 1 इकाई, 1 से 2 तक 1, 2 से 3 तक 1। और हिमेश बोल रहे हैं कि मैंने इनको फिर जोड़ दिया है ना, तो 1 + 1 + 1 + 1, तो जब आप इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। ये तरीका सही है, गलत नहीं है। यस मनीष, वेरी गुड, मनीष नाम ही है ना आपका, वेरी गुड। तो कमेंट में मनीष जो है, मनीष नाम बताया था ना आपने, मंजू कुमारी नाम से जो आपका नाम मनीष ही है ना, एक बार कंफर्म कर दो। ठीक है, मनीष ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मनीष ने क्या किया कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया। देखो जो ये तरीका है संख्या रेखा वाला वो भी ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तरीका भी बहुत अच्छा है। 3 में से क्या घटाना है, -2, और 3 में से -2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 तो ऐसे का ऐसे ही रहा, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 2 ऐसे का ऐसे ही, 3 और 2 कितना हो गया, 5। तो आंसर क्या आया, 5 मात्रक। ठीक है, बताओ ये वाला जो तरीका है ये सबको क्लियर है? संख्या रेखा वाला तो सबको है ही क्लियर, ये वाला तरीका बताओ सबको क्लियर है? मैंने क्या किया है, ये ऐसे क्वेश्चन हमने अभी किए थे 2 4 क्लास पहले, इंटीजर्स को कैसे घटाया जाता है ना। तो मैंने आपको बताया था जब दो चिन्ह हो आ रहे हो एक साथ तो उनकी गुणा होगी, जैसे माइनस और माइनस दोनों एक साथ आ गए, इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो माइनस की माइनस में गुणा होकर क्या होगा, प्लस, और 2 ऐसे का ऐसे, और 3 और 2 कितने हो गए, 5। ठीक है, तो -2 और 3 के बीच की दूरी क्या होगी, 5 मात्र। बताओ क्लियर है सभी लोगों को? अगर सभी लोगों को ये चीज क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं, है ना। यस, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, संख्या रेखा पर मार्क करके, एक दूरी ये हो गई, एक दूरी ये हो गई, एक मात्रक ये हो गई, टोटल कितनी मात्रक हो गई, 3 मात्रक, और इधर से भी 2 मात्रक होगी। कैसे, -2 से 1 पर गए तो 1 मात्रक, 1 से 0 पर गए तो 1 मात्रक,
दो मात्रक दूरी ये, तीन मात्रक दूरी है, और दो और तीन कितने हो गए, पांच। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि तीन में से माइनस कर दो माइनस दो को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तीन और दो कितना हो गया, पांच मात्रक दूरी। यस, मेरी आवाज आ रही है सभी को? अगर सबको मेरी आवाज आ रही है एक बार यस टाइप कर दो, क्योंकि मनीष बोल रहे हैं उनको मेरी आवाज नहीं आ रही है। यस, सबको आ रही है ना? मनीष आप दोबारा से ज्वाइन करके देख लो, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बाकी सभी को मेरी आवाज आ रही है ना? आप दोबारा से ज्वाइन कर लो एक बार। चलिए तो एक क्वेश्चन करें पोल में, ऐसा ही क्वेश्चन है, दूरी निकालनी है दो बिंदुओं में, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है? यस, तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बिंदु दो और सात के बीच की दूरी बतानी है, चार ऑप्शन है आपके, है ना? सभी को आंसर करना है पोल में, दो और सात के बीच की दूरी क्या होगी? चलिए बताइए, दो और सात के बीच की दूरी। करिए, सभी लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, वेरी गुड, आधे लोगों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। आसान सा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको कम टाइम दे रहा हूं, ठीक है? तो 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास, जो बच गए हैं जो लोग, क्योंकि चार लोग बच गए हैं जिनका आंसर आना बाकी है ना? चार लोगों का आंसर आना बाकी है, तो 15 सेकंड है आपके पास, जल्दी से करिए 15 सेकंड। पोल में हर बच्चे को आंसर करना है, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो पोल में आंसर ना कर रहा हो, एक एक बच्चे को पोल में आंसर करना है। और मैं उन बच्चों के नाम भी लेता हूँ जो बच्चे पोल में आंसर करते हैं, ठीक है? आज शायद मैंने नाम नहीं लिए है ना, या ले लिए? सर ले लिए। ले लिए है ना, ठीक है। हाँ, तो हर क्लास में मैं उन बच्चों के नाम लेता हूँ जो पोल में आंसर करते हैं, तो जो बच्चे आज आंसर कर रहे हैं पोल में, उनका नाम मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा से बोलूंगा। चलिए करिए सभी लोग, वेरी गुड, लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और हैं आपके पास, 10 सेकंड और हैं आपके पास, सभी लोग आंसर करें जल्दी से। चलिए लास्ट 5 सेकंड, 5 सेकंड और हैं, तीन बच्चों का आंसर आना बाकी है, 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, यस। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि दो और सात के बीच की दूरी क्या है। हाँ, एक बच्चे का आंसर गलत था, दो बच्चों ने आंसर नहीं दिए, बाकी सबके सही थे। तो दो तरीके हैं इसको करने के, या तो संख्या रेखा पर देख लो, दो यहाँ पर है और सात यहाँ पर है ना? तो दो और सात के बीच की दूरी चाहिए, तो दो और तीन के बीच की दूरी एक हो गई, तीन और चार के बीच की दूरी एक इसके इकाई, चार और पांच के बीच की दूरी एक इकाई, पांच और छह के बीच की दूरी एक इकाई, और छह और सात के बीच की दूरी एक इकाई, तो टोटल दूरी कितनी हो गई? कोई अलावा नहीं, बच्चा अच्छा, प्लीज एक बार और चिल्लाओ, कौन चिल्ला रहा था, मुझे पता तो चले किसकी आवाज इतनी अच्छी है, बोलिए जिसने अभी माइक ऑन करके। देखो ये लास्ट वार्निंग है, मैं रिकॉर्डिंग में देख लूंगा कि कौन सॉरी बच्चा। सर, सर वो मेरी छोटी बहन ने सर माइक ऑन कर दिया सर एक बार। ठीक है, अपना जो फोन है आप अपने पास ही रखें, ठीक है? अब ऐसी गलती मत करना, है ना? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि क्लास में किसी भी तरह की कोई अनडिसिप्लिन एक्टिविटी ना करें, चिल्लाना या आवाजें निकालना, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि दो और तीन के बीच की दूरी एक हो गई, तीन और चार के बीच की दूरी एक, चार और पांच के बीच की दूरी एक इकाई, पांच और छह के बीच की दूरी एक इकाई, और छह और सात के बीच की दूरी एक इकाई, तो हमने इसको आपस में जोड़ दिया, तो टोटल कितना हुआ, एक और एक दो, और एक तीन, और एक चार, और एक पांच। एक तरीका तो ये है, और एक आसान सा तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, सात में से दो घटाओगे तो क्या आ गया, पांच आ गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, है ना? बताओ सबको क्लियर है इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी, पांच। बताइए किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन नहीं, इसके बाद हम थोड़ा और पढ़ेंगे, है ना। चलिए, क्वेश्चन अभी आने में टाइम है। चलिए ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। चलिए आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। सात रीना पांचा नाम से जो है, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो। ये लास्ट वार्निंग है सभी के लिए, अगर फिर से ऐसा कुछ होता है तो मैं सबके माइक बंद कर दूंगा यहाँ से, फिर कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, सात संख्या रेखा पर चार के दाईं ओर आएगा या बाईं ओर? दाया मतलब राइट साइड, बाया मतलब लेफ्ट साइड, ये तो सबको पता है, लिखा भी है ना। तो आप बताइए पहले, फिर मैं बताता हूँ आपको। संख्या रेखा बनाइए, उस पर संख्या को लिखिए और ये बताइए कि सात संख्या रेखा पर चार के राइट में आ रहा है या लेफ्ट में आ रहा है। फिर मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आप पता लगा सकते हो, वैसे देख कर पता चल जाएगा। यस, सभी लोग राइट साइड बोल रहे हैं। ओके, तो चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। तो ऐसे देखकर तो पता चलेगा नहीं, संख्या रेखा बनाकर देख लेते हैं, है ना। संख्या रेखा हमेशा क्वेश्चन को देखकर सॉल्व करने की कोशिश कभी मत करना, है ना। कॉपी में हमेशा सॉल्व करना क्वेश्चन को, अगर देखकर क्वेश्चन सॉल्व करोगे हो सकता है ठीक हो जाए, लेकिन हो सकता है गलत भी हो जाए। यस, तो संख्या रेखा पर हम सबसे पहले जीरो लिखते हैं, फिर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, सात, ठीक है सात तक ही चाहिए ना, मैं तो इसके आगे नहीं। हमें बताना है कि सात संख्या रेखा पर चार के दाईं ओर है या बाईं ओर। पहले चार और सात दोनों को मार्क कर लो, चार कहाँ पर है, यहाँ पर है, सात कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब आप क्या करो, सिंपल तरीका बता रहा हूँ। अब एक हाथ अपना चार पे रख लो, एक हाथ सात पे रख लो, एक हाथ चार पे रख लो, एक हाथ सात पे रख लो, और ये देखो कि सात पर आपका कौन सा हाथ आ रहा है ना। हमें ये देखना है कि सात किस ओर स्थित है, क्या देखना है हमें, सात संख्या रेखा पर चार के दाईं ओर आएगा या बाईं ओर, मतलब सात को देखना है कि वो किस ओर आएगा। तो आप क्या करो, एक हाथ अपना चार पे रखो, ऐसे सीधे के सीधे ही, ऐसे मत करना, क्रॉस मत करना, ऐसे सीधे के सीधे ही, एक हाथ चार पे रख लो, एक हाथ सात पे रख लो, और मुझे बताओ सात पे आपका कौन सा हाथ आ रहा है, सात पे कौन सा हाथ आ रहा है आपका, बताइए। अपनी कॉपी में संख्या रेखा बनाओ, चार और सात को मार्क करो, अपना ये वाला हाथ चार पे रखो और एक हाथ सात पे रखो, सीधे सीधे, ऐसे मत रखना कभी इधर वाला इधर रख दो, है ना। जो उनसे हाथ पे जो संख्या है वही हाथ रखना। जब आप अपने दोनों हाथ रखोगे और जब देखोगे तो आपको पता चलेगा सात पर आपका सीधा हाथ यानी दाहिना हाथ आ रहा है, यानी राइट साइड। तो सात किस तरफ होगा, चार के दाईं तरफ होगा। क्लियर हुआ कैसे निकालना है? अगर आपको ऐसे ही देखकर पता चल रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर कंफ्यूजन है तो इस कंफ्यूजन का एक ही सॉल्यूशन है, आप अपने हाथ दोनों रख लो संख्याओं पर और देखो जिस संख्या को आपको चेक करना है, सात को आपको चेक करना है, तो सात पे आपका कौन सा हाथ आ रहा है, सीधा हाथ आ रहा है, राइट हैंड आ रहा है, तो सात किस तरफ होगा, दाहिने हो, राइट हैंड पर होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा कि सात संख्या रेखा पर सात जो है चार के दाईं ओर यानी राइट साइड होगा, है ना। चार यहाँ पर है, सात यहाँ पर है, जब आप अपने हाथ रखोगे चार और सात पर तो सात पर आपका कौन सा हाथ आएगा, दाहिना, तो इसलिए सात किस ओर होगा, दाहिना होगा। क्लियर सभी को ये चीज? अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, यस। तो नेक्स्ट है कि जब हम किसी संख्या के दाईं ओर जाते हैं, है ना, एक छोटा सा पॉइंट और है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। जब हम किसी संख्या के दाईं ओर जाते हैं, जैसे चार है, चार के आप दाईं ओर जाओगे यानी इस तरफ जाओगे, दाया मतलब सीधे हाथ पर, तो हमेशा चार से बड़ी संख्या मिलेगी, और जब आप चार के बाईं ओर जाओगे यानी इस हाथ पर जाओगे तो हमेशा आपको चार से छोटी संख्या मिलेगी। कहने का मतलब क्या है कि आप जब संख्या रेखा पर किसी भी संख्या के बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड पर जाते हो तो उस संख्या से छोटी संख्या मिलती है, यदि आप राइट दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड पर देखो तो उस संख्या से बड़ी संख्या मिलेगी, है ना। जैसे चार है, चार के आप बाईं तरफ जाओगे तो हमेशा चार से छोटी संख्या। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। सभी को मेरी आवाज कट के आ रही है क्या? नो सर।
ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जब आप चार के बाईं ओर जाओगे तो सारी संख्याएं चार से छोटी है, जब आप चार के दाईं ओर जाओगे तो सारी संख्याएं चार से बड़ी है। यानी जब आप किसी भी संख्या के बाईं ओर जाते हो तो सारी संख्याएं उससे छोटी मिलती है, जब आप किसी भी संख्या के दाईं ओर जाते हो तो सारी संख्याएं उससे बड़ी मिलती है ना। ये पॉइंट सबको क्लियर है? बताओ, सबको क्लियर है यहां तक? किसी को डाउट कुछ? फिर हम क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि टाइम हमारा होने वाला है, तो जल्दी से क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं, है ना। चलिए ठीक है, तो अब क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको बताना है संख्या रेखा पर 2, 7 के किस ओर स्थित है। ये ऐसा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले संख्या रेखा बनाओ, उस पर 2 और 7 को मार्क कर लो, फिर अपने हाथ रख लो और देखो 2 कहाँ पर आ रहा है, 2 पर आपका कौन सा हाथ जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पोल में करना है। सभी बच्चों को पहले बना लो, कॉपी में सॉल्व करना, कोई भी बिना कॉपी में लिखे इसको सॉल्व नहीं करेगा, सभी लोग इसको कॉपी में सॉल्व करेंगे, है ना। तो मैं एक बार इसको आपकी स्क्रीन पर पोल को भेज लू। पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यस, बताइए। तरीका मैंने बताया है, संख्या रेखा बनाओ, उस पर संख्याओं को लिख लो, फिर देखो अपने दोनों हाथ रख लो 2 पर और 7 पर। हमें चेक किसको करना है? 2 को चेक करना है, 2 किस ओर आएगा, है ना। तो 2 पर आपका कौन सा हाथ आ रहा है ये चेक करो। ठीक है, करिए। सभी लोग आंसर करें जल्दी से। पंद्रह सेकंड हो रहे हैं आपके पास, क्योंकि ऑलमोस्ट हाँ आधे लोगों का आंसर आ गया। चलिए करिए, 4 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी आंसर करें। आधे से ज्यादा लोगों का आंसर आ चुका है लास्ट 10 सेकंड, क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो चुका है। अभी डाउट्स भी आपके क्लियर करने हैं जिसको डाउट है। सर होमवर्क, हाँ बात करते हैं होमवर्क की, आप बस रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, हो सकता है आपकी क्लास थोड़ी 1-2 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास में, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड, तो ऑलमोस्ट 75% लोगों का आंसर सही है। तो मैंने आपको बताया था आप क्या करो, सबसे पहले संख्या रेखा बनाओ, है ना। ये आपने संख्या रेखा बनाई, इस पर संख्याओं को लिख लो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब 2 कहाँ पर है, सॉरी 2 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है। मैंने कहा कि इन पर अपने हाथ रख लो, एक हाथ 2 पर रख लो, एक हाथ 7 पर रख लो, तो 2 पर आपका कौन सा हाथ आएगा, उल्टा हाथ, बायां हाथ। तो 2 किस ओर होगा, बाईं ओर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, बाईं ओर। ठीक है सॉरी। चलिए तो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है क्लास का, है ना। तो इसका बी ऑप्शन है, किसी को डाउट इसमें तो पूछ लो, अदरवाइज फिर होमवर्क की बात कर लेते हैं, इस क्लास में यहीं तक रखते हैं।